नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं IMNB न्यूज। आज से 5, 6, 7 तारीख तक राष्ट्रीय एक्सपो का प्रदर्शनी श्री राम पार्क विधानसभा रोड में लगने जा रहा है, जिसमें देश भर के एक्सपो एक्सपर्ट भाग लेंगे और अपने विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने की जानकारी देंगे। इससे रोजगार के अवसर भी होंगे और नई नई चीज़ें जानने को मिलेगा। ये जानकारी राजकुमार अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी है। 12 तारीख को वहां पर इनॉग्रेशन है। दिन में इनॉग्रेशन के लिए अभी हमारे माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर लखन लाल जी देवंगन जी से बात हो रही है, तो वो शायद मुझे कंफर्म करेंगे आज शाम तक, तो मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। उसके बाद में कि इनॉग्रेशन कौन कर रहा है और कितने बजे कर रहा है एग्जैक्टली, तो उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। उस समय सब्सिडी के रूप में और फायदे के रूप में NSIC दे रहा है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे नया गवर्नमेंट बन गया है, तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि जैसे अन्य राज्यों में जो राज्य स्तर पर सब्सिडी दी जाती है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ में भी MSME डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो लोग स्टॉल लगाने जाते हैं उनको सब्सिडी दे, तो इस तरह से सपोर्ट होता है नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई इंडस्ट्री है, जो फाइनेंशियली कमजोर इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये जो बाहर जाते हैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको जो बिजनेस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, जब ये वापस यहाँ पर आएगा अपने शहर में अपने प्रदेश में, तो उसका फायदा सबको मिलेगा, क्योंकि वो ग्रो करेंगे, जब वो ग्रो करेंगे तो उसका फायदा हमारे पूरे प्रदेश को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को पूरा टैक्स के रूप में पैसा वापस आ जाता है।